थाना इंदौरा के अंतर्गत चक्की दरिया में श्री गणेश की मूर्ति विसर्जित करने गए बसंत कॉलोनी निवासी रवि कुमार पानी में डूब गया, जबकि विनोद कुमार ने मुश्किल से तैरते हुए दरिया से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बसंत कॉलोनी निवासी रवि कुमार कपड़े बेचने का काम करता है। जानकारी के अनुसार रविवार को बसंत कॉलोनी से 15 से 20 लोग श्री गणेश की मूर्ति लेकर दरिया में विसर्जित करने गए थे। साथियों ने बताया कि मूर्ति विसर्जित करने के बाद रवि और विनोद दरिया में नहाने लगे। इस दौरान रवि कुमार गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलने पर मौके पर डमटाल पुलिस पहुंची। डमटाल पुलिस ने मौके पर NDRF की टीम को बुलाकर चक्की दरिया में डूबे युवक को ढूंढने के प्रयास शुरू किए, लेकिन सोमवार दोपहर तक रवि कुमार का कोई भी पता नहीं चल पाया। कल विसर्जन जी गणपति ना तो बच्चे ना पैर उसने फिसल गया, शादीशुदा सी, ठीक है जी। उसने एक बच्चा भी है, गरीब है। इंडियन टीम भी हिमाचल तो इधर दिन सारियाँ आई हैं, वही गोताखोर अपनी कोशिश पूरी करते पे, कोई कमी नहीं छड़ते पे। तो साढ़े वास्ते गरीब बंदा है बेचारा, उसने कुछ नहीं बनने वाला। तो असि गौरमेंट नाल असी प्रार्थना करने कि उसने कुछ ना कुछ मुआवजा करे, तो उस वास्ते कोई ना कोई सुविधा कर। बस पिछले कल मूर्ति विसर्जन करने आए थे बसंतपुर से, बसंत कॉलोनी पठानकोट से। तो मूर्ति विसर्जन करने के दौरान जो है एक लड़का पानी में डूब गया, उसका नाम रवि कुमार, सन ऑफ किशोर चंद, निवासी बसंतपुर, बसंत कॉलोनी पठानकोट, जिसको पहले तो लोकल यहाँ के गोताखोर ढूंढते रहे। उसके बाद जो है NDRF टीम जो है नूरपुर से बुलाई गई। रात को भी उन्होंने इसमें छानबीन करी, लेकिन नहीं पता चला। अब दिन के समय भी इसकी जो है तलाश कर रहे हैं और NDRF टीम जो है काम कर रही है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।